वाले समय में बहुत जल्द ऐसा भी समय आ रहा है जो अपने नेपाल में इसका मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। सर यहाँ पे भी प्वाइंट खुलेगा, आपके भी चौराहे पे खुलेगा, बीरगंज में खुलेगा, माने मुख्य मुख्य जगहों पे इसका प्वाइंट खोला जाएगा। अब यह कंपनी सर फूड सप्लीमेंट बनाती है। लोग कह देते हैं कि दवाई खाना है, इसमें फलना बीमारी का दवाई है, तो ये सर दवा नहीं है, ये भोजन है। दवा तो कभी बीमारी ठीक ही नहीं करता है। आज जितना भी सर ज्वाइंट पेन, गठिया, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट का ब्लॉकेज, थायराइड, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये सब बीमारी जो है असाध रोग में आता है बबलू सर, क्या आता है ना। और ये बीमारी किसी को लग जाता है, यहाँ पे कोई प्रैक्टिशनर है क्या, इसमें डॉक्टर साहब कोई है? कोई नहीं है। चलिए वो धरती के सेकंड भगवान है, वो जहां भी है लोगों को एक नया जिंदगी देते हैं। हम लोग ऊपर वाले भगवान को तो मानते हैं, देखते नहीं है, लेकिन ये जो हमारी इस धरती के सेकंड भगवान है डॉक्टर साहब, इनके नाम पे हम लोग एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। तो ये जितना भी असाध रोग होता है इसमें क्लियर हो गया कि ये जब तक जीना है आपको दवा खाते रहना है। लेकिन यहाँ पे सर ऐसा ऐसा सप्लीमेंट बनाया गया, सप्लीमेंट का मतलब होता है सर कि जिस मिनरल्स विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्रिएट होता है उसको जड़ से खत्म करता है। हम शुरू में बोले थे कोशिकीय पोषण पद्धति, यानी कि CNT सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। हम लोगों का शरीर 63 खरब से भी ज्यादा कोशिका से बना हुआ है, सेल से। और जब सर करोड़ों माइक्रो सेल मिलता है तब एक सेल का निर्माण करता है, और करोड़ों सेल मिलता है तब एक टिश्यू को बनाता है, और करोड़ों टिश्यू मिलता है तब एक ऑर्गन को बनाता है। तो अंग्रेजी दवा जो है वो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन पे काम करता है, उसका नाम है दवाई, यानी कि वो बीमारी को दबाएगा, छोड़ाएगा नहीं सर। और उसका साइड इफेक्ट है, हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक दे रहा है, जबरदस्ती बीमारी को दबाया जा रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे लीवर, किडनी, हार्ट सबको डैमेज करता है। लेकिन ये जो हमारा सप्लीमेंट है ये हमारे सेल पे काम करेगा, तो जब हमारे सेल को सही करता है तो ऑटोमेटिक हमारे टिश्यू को स्ट्रांग करेगा, और जब मेरा टिश्यू स्ट्रांग होता है तो हमारे ऑर्गन को ठीक करता है, और जब ऑर्गन ठीक होता है तो हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है। कोई भी असाध रोग है सर, इस वेस्टिज कंपनी में आप चैलेंज कर सकते हैं जाकर किसी भी पेशेंट से कि यार 6 महीना ये सप्लीमेंट खा लो, बीमारी जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, लिख के दीजिए स्टाम्प पर। और 3 महीना के बाद सर कोई भी चीनी का पेशेंट है, मैं दिन भर उस आदमी को मिठाई खिलाऊंगा। इस कंपनी के पास ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, मिठाई खिलाइए, चाय पिलाइए, इतना तक कि हमारे ऐसे ऐसे पेशेंट लोग हैं जो रोज अब दारू पीना शुरू कर दिए। जो दारू पीते थे उसके जो लोग शौकीन है, अच्छा चीज तो नहीं है, लेकिन पी रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कहा कि इसके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है कि मुर्दा को भी जिंदा कर देता है। अगर ये मुर्दा को जिंदा नहीं करता तो आज मेरे मुंह से जो इतना एक चैलेंज गारंटी सब निकला ये कभी नहीं निकलता। और सर मैं 1 साल से कंटिन्यू इस नेपाल में 15 दिन पूरे नेपाल कंट्री का मैं भ्रमण करता हूँ, और मोटरसाइकिल से सर। उम्र मेरा 54 साल हो गया, उम्र भी कम नहीं है, लेकिन आज जो मेरा एनर्जी है सर, सारे लोगों को प्रोवाइड कीजिएगा एस्प्रोलिना, कंटिन्यू खिलाइए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखेगा। अब चलिए सर, अब सप्लीमेंट क्यों लेना है? हमारे पूर्वज सप्लीमेंट नहीं लिए तो हम क्यों ले भाई, क्या जरूरत आ गया? हमारे बाबा दादा मर गए, कभी उनका आंख का लाइट खत्म नहीं हुआ, वो बिना चश्मा के पेपर पढ़ते थे, उन लोगों को कभी घुटना में दर्द नहीं हुआ, जल्दी बुखार नहीं होता था, दिन भर कुदाल चलाते थे, मवेशी पालते थे, लेकिन वो लोग स्वस्थ रहते थे, कहां वो लोग बीमार पड़े। लेकिन आज सर एक बच्चा भी जन्म ले रहा है तो पेट से जॉन्डिस लेकर बाहर आता है, ऐसा हो रहा है ना सर? वो बच्चा पेट से बाहर आया माँ के और पता चलता है कि उसको जॉन्डिस। अभी 7 साल 8 साल का बच्चा है सर, देख रहा है कि आंख पर उसको चश्मा लग गया। आखिर वो बच्चा माँ के पेट में क्या खाया? वो कुपोषण का शिकार है। आज सर हम लोग जैसे अभी मोटरसाइकिल चला रहे हैं सर, या 4-व्हीलर चला रहे हैं, तो मनोज सर हम लोग मोटरसाइकिल को लाइफ देने के लिए क्या चीज देते हैं उसको मेन, यानी कि उसके इंजन को लाइफ देने के लिए हम लोग समय पर मोबिल पल्टी कर दे रहे हैं, और उसको पावर देने के लिए पेट्रोल डाल रहे हैं, दो चीज दे रहे हैं। लेकिन हमारे बॉडी में सर जितना ऑर्गन है
सबको अलग अलग मिनरल विटामिन चाहिए। आंख को विटामिन ए की जरूरत है, स्किन को विटामिन ई चाहिए, बाल को ई और सी दोनों चाहिए, हमारे हड्डी को कैल्शियम चाहिए, हार्ट को कोएंजाइम क्यूटेन चाहिए, हमारे सेल को जीरोनिन चाहिए। जो पहले के भोजन से मिलता था, लोग डिश बदल बदल कर खाना खाते थे। पहले का खान पान था सांवा कौनी मरुआ कोदो मकई तीसी जौ अलवा सुथनी, लोग डिश बदल बदल कर खाते थे। लेकिन आज मेरा वही खेत है, वही जमीन है, हम लोग दो चीज खा रहे हैं, भात खा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, सब फर्टिलाइजर है, केमिकल्स और कीटनाशक है। तो हमारे जीभ को स्वाद चाहिए, पेट को भोजन मिलना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन मिल गया, हम लोग खाकर पेट को भर लिए। लेकिन आज जो भी चीज ले रहे हैं सब जहर ले रहे हैं, टॉक्सिन ले रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन 400 टॉक्सिन इनहेल कर रहे हैं, हर जगह सिर्फ टॉक्सिन ही टॉक्सिन है। इससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रहा है और हम बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यही कारण है कि स्वस्थ रहने के लिए सारे लोगों को सप्लीमेंट लेना होगा। और आपका WHO का कहना है सर, ये आने वाले 10 साल के बाद अंग्रेजी दवा भी काम करना बंद कर देगा। देखिएगा किसी किसी बीमारी में सर डॉक्टर साहब एकदम कम पावर से सर दवा देना शुरू करते हैं। मनोज सर आपको नींद आ जाएगी, ऐसे नहीं कीजिए, एकदम अथी बैठिए रिलैक्स मूड में। तो जब दवा जैसे थायराइड है तो 25 mg से शुरुआत होता है, वो दवा सर कुछ दिन काम करेगा फिर वो काम करना बंद कर देता है। फिर डॉक्टर साहब 50 करेंगे, 75 करेंगे, 100 कर देंगे, एक बार कह देते हैं कि जब तक जीना है ये दवा खाते।